आइए आज जो है हम लोग इस महान धार्मिक स्थल पर हैं जहाँ हनुमान संकट मोचन हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं संकट मोचन हनुमान के सिद्ध पीठ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनंतन रामायणी जी और राकेश कैटर जी और डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव। आइए आरसी श्रीवास्तव जी से पूछते हैं कि ये इस महामारी के दौर में, इस महामारी के गुजरते इस भारत में जो समस्या आई है, पूरे संसार में जो समस्या है, उसका कैसे मदद जो है वो संकट मोचन से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ में। आई कब से ये चल रहा है और तरफ कैसे मतलब जो है ये कब से और क्यों मतलब जो है जी मानो कि कल्याण है तो जी इस मंदिर में इसके संस्थापक पंडित राकेश वासनी जी और पंडित अरविंद त्रिपाठी अरविंद जी के संरक्षण में जो रामायणी है उनके संरक्षण में यहाँ पर रामचरितमानस का साप्ताहिक पाठ चल रहा है। उसका केवल एक निमित्त है और ये केवल राकेश वासनी जी का परिवार ही करता है, इसमें बाहरी कोई नहीं आता। ये इसका केवल मानव जीवन का कल्याण ही उद्देश्य है कि किस तरह से मानव जीवन का कल्याण हो और इस बीमारी से भगवान हम लोगों की रक्षा करें, ये उद्देश्य लेकर के राकेश जी इस पाठ को कर रहे हैं जिसका हर बुद्ध को समापन होता है। उस समापन में भगवान राम की राजगद्दी हवन पूजन पंडित अरविंद कांत जी के जो रामायणी हैं उनके संरक्षण में प्रत्येक बुधवार को जब ये पूरी हो जाती है रामचरितमानस तो उसका राजगद्दी। तो आज कौन सा दिन है? आज 21वीं रामायण, आज 21वीं रामायण पूरी 21वीं रामायण आज पूरी हुई है जी। और आज इसी संदर्भ से आपको ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं जी क्योंकि 21 का बड़ा महत्व है, हमारे ग्रंथ में भी महत्व है जी। इसके लिए हम सब लोग राकेश जी के अरविंद जी के बहुत बहुत मतलब आभारी कहें और मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य राकेश जी कर रहे हैं। इसके लिए शब्द नहीं है कि हम उनको किस शब्दों से होंगे। तो कितने और मतलब ये संकल्प तो नहीं है लेकिन 51 रामायण पूरी, क्योंकि पूर्व भी यहाँ 45 दिन में 51 रामायण इसी पीठ पर पूरी होती है। 24 घंटे चल के 45 दिन चल के एक बार 51 रामायण पूरी संपूर्ण यहाँ की हुई है और उसका बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो अब की जो राकेश जी अकेले कर रहे थे क्योंकि उसमें था कोविड नहीं था तो हर कोई आता था, मोहल्ले के लोग भी आते थे, लेकिन ये रामचरितमानस अकेले राकेश जी कर रहे हैं क्योंकि मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं है तो ये अकेले करते हैं। बस बुद्ध को हम लोग जो घर घर के हैं वो इसके जो ये हम लोग इसका उत्सव मनाते हैं पारिवारिक उत्सव, आज उसी लिए हम लोग आए हुए हैं। नहीं तो इसको केवल इतने बड़े एक आयोजन को केवल राकेश जी अकेले का मानव कल्याण। हमारा सौभाग्य है कि हम जो है यहाँ इस स्थल पर जो है हमारा भी मतलब आप बीती जगबीती के सदस्यों का जो है दर्शन हुए बाबा के। मैं नितिन सैनी आप बीती जगबीती से क्राइम रिपोर्टर अपनी टीम के साथ में कि आपने अभी देखा कि हम आप बीती जगबीती की टीम को आज बड़ा सौभाग्य मिला है कि जो संकट मोचन कहे जाने वाले जो जग का कल्याण करने वाले हनुमान बाबा के उस शक्तिपीठ एक सिद्ध स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। साथ में हमारी टीम के नितिन सैनी जी क्राइम रिपोर्टर और सिमरन अरोड़ा भी साथ में आई हैं। जैसा कि अभी आशीष श्रीवास्तव जी जो एक बहुत बड़े दवा उद्योग में एक उद्योगपति हैं उन्होंने अपने इस विषय पे बताया कि जैसा यहाँ एक संकल्प लिया है उसी श्रृंखला में हमारे संग में आगे जोड़ रहे हैं पंडित रविकांत शर्मा जी अरविंद कांत शर्मा जी और जो कि रामायणी हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली लोगों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य मिल रहा है तो आइए पंडित अरविंद कांत शर्मा जी रामायणी से इस विषय में आगे की चर्चा करते हैं। अगली आवाज़ पंडित अरविंद कांत शर्मा जी को।
जैसे हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी लिखा है हनुमान चालीसे में, संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो सारे संकट कितने भी हैं सब कट जाते हैं, और फिर अष्ट सिद्ध नव निधि दाता है, ये जानकी जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। और हमारे राकेश भाई जी बड़े अनन्य भाव से इन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं, और सदैव इनकी भावना जन कल्याण के लिए रहती है, ये दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। ये तो बल्कि मैं कहता हूँ समाज को इनसे सीखना चाहिए। हर व्यक्ति आज के समय में स्वार्थी है, अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये समाज के लिए कर रहे हैं, समाज को एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं। लोग बहुत से लोग इनसे आते हैं और कहते हैं कृपा करिए, तो ये कहते हैं बाबा के आप चरणों में नमन करिए और वो आप लोग अपनी कृपा से आपके संकट दूर करेंगे। फिर नासे रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इसको उन्होंने सिद्ध किया और रामचरितमानस का पाठ देख सप्ता उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं जन कल्याण की भावना से करूंगा। और ये अच्छी बात है, हमारे समाज को एक अच्छी चीज़ मिल रही है। दूसरी बात ये नित्य प्रति यज्ञ करते हैं जन कल्याण की भावना से, और धार्मिक प्रवृत्ति है तो व्यवसाय, लेकिन उसके अलावा इनका भाव ऐसा है अनन्य भाव। जैसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हैं, और वैसे ही हनुमान जी के चरणों में ये बैठे हैं। तो बस इतना ही है कि मैं कहता हूँ इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनके संकल्प हैं, जो इनकी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण करें और पूरे संसार को स्वस्थ करें। श्री हनुमान जी प्रत्येक दिन ये रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि इनसे बड़ा कोई वैद्य नहीं, शंकर जी से बड़ा औषधियाँ सब इनके अधीन, सबसे बड़े सर्जन हैं। पहला ऑपरेशन गणेश जी, उन्होंने उनको जीवित किया। वो तो सारी औषधियाँ संजीवनियाँ सब इनके ही पास हैं। तो इनसे भी प्रार्थना करते हैं हमारे राकेश भाई कि हे बाबा, सब पूरे जनमानस पे कल्याण करो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। प्रत्येक दिन आप यहाँ दर्शन करा सकते हैं, ये देखिए प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। और सुंदर श्रृंगार श्री हनुमान जी महाराज का सुंदर श्रृंगार करते हैं। अखंड दीपक अखंड जोत जलती रहती है। बहुत सुंदर श्रृंगार नित्य प्र सुबह शाम, जो मंदिरों में नियम है वही यहाँ पर इनके उसमें नियम है, इनकी पीठ में यहाँ पर वैसे ही नियम है, वैसे ही भोग लगता है, पट बंद होते हैं। और दो शब्द मैं चाहूँगा हमारे राकेश भाई भी कहीं। जैसा कि आपने अभी जाना, हमारे साथ में जो जुड़े थे पंडित अरविंद कांत रामायणी जी, शर्मा रामायणी जी, और आइए उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं हमारे राकेश वार्ष्णेय जी के पास में, जिनका एक वार्ष्णेय कैटर्स करके एक व्यवसाय भी है। तो आइए बाबा के जो चरणों में इनका जो एक लगन है, एक आस्था है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, इस विश्वास पे इन्होंने जो एक संकल्प किया है, जो वैश्विक महामारी के चलते जो एक बीड़ा उठाया है, तो आइए आगे की इनके विचार जानते हैं राकेश वार्ष्णेय जी से। देखिए, ये जो रामायण का पाठ चल रहा है ये जन कल्याण की भावना से हर सातवें दिन बुधवार को भगवान का राज्याभिषेक करके हनुमान जी के ये रामायण समर्पित करते हैं, जिससे ये जन कल्याण का कार्य करें, हमारे देवता पुष्ट होते हैं इनका भजन करने से। इसलिए भजन करके हम जो भी कुछ कर सकते हैं, अपना गिलहरी के रूप में सेवा कर रहे हैं फूल बनाने में,
जितना जो बन सकता है अपने से करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। और ज़्यादा क्या कहना है इसमें, बाकी तो हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करते हैं, वही करेंगे, वही सबकी रक्षा। तो आपने जाना कि जन कल्याण के लिए और विश्व में फैली महामारी की को जल्दी से इस प्रकोप से छुटकारा मिले, पूरे संसार को इस महामारी से, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में सभी की तरफ से प्रार्थना है। और मैं कौशिक टंडन अपने साथी नितिन सैनी सिमरन अरोड़ा के साथ यूपी बरेली से आप बीती जगबीती के लिए।